हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। और यहाँ पे आज बात करते हैं IRFC और रेलटेल और यहाँ पे RBNL और इरकॉन शेयर्स की बात करते हैं। तो इरकॉन शेयर्स में और IRFC शेयर्स में यहाँ पे एक रैली के पश्चात जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर से थोड़ा सा जंप देखने मिला। क्या यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है? यहाँ से शेयर्स फिर से मल्टी ब्रेकर बनता और दिखाई दे सकता है। सबसे पहले बता दूँ कि IRFC शेयर्स में देख सकते हैं काफी बड़ा जंप यहाँ पे देखने मिला है। माल यहाँ पे 10-10 गुना यहाँ पे शेयर्स ने कर दिए हैं। शेयर्स जो कभी देख सकते हैं बिल्कुल एक रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 20 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके पश्चात सीधा ही देख सकते हैं शेयर चला गया, देख सकते हैं 90 रुपये के आसपास। फिर से देख सकते हैं शेयर्स में और प्रॉफिट बुकिंग आई और शेयर सीधा चला गया 100 रुपये। 100 रुपये पीछे से इसमें जबरदस्त तेजी आई है और शेयर चला गया 200 रुपये। 200 रुपये से भी हाल ही इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, 120 रुपये तक आई थी। और 120 से शेयर देख फिर से एनकल्पिंग पैटर्न बना के और शेयर अभी 100 और 55 रुपये पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो शेयर्स में यहाँ पे देखें तो एनकल्फिंग जो पैटर्न यहाँ पे शेयर में बना है, बुलिश एनकल्फिंग पैटर्न यहाँ देख सकते हैं। पिछली जो रेड कैंडल है, इस पूरी रेड कैंडल को इसने एनगल्फ किया है, यानी कि खा लिया है या कहें ढक लिया है, इसको एनगल्फ बोलते हैं। और इस एनगल्फ पैटर्न का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे कुल मिला के कह सकते हैं कि 120 का इस कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप सीधे ही इसमें जो ये हाई है, इस हाई को टेस्ट करने के लिए जा सकता है 200 रुपये के टारगेट के लिए, या कहें 190 से 220 के बीच के टारगेट के लिए यहाँ ये शेयर जा सकता है। यहाँ से शेयर में लगभग 40 रुपये की तेजी और दिखाई दे रही है। और स्टॉप लॉस आपको रखना है 120। अगर 120 को ही शेयर अगर स्टॉप लॉस हिट कर लेता है, भाई दफा एक्यूरेसी तो या फिर 90% की, लेकिन भाई दफा मान लो 10% कंडीशन स्टॉप लॉस हिट कर लेता है, तो शेयर को फिर आपको 100 रुपये तक आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये शेयर 100 रुपये तक आ सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो आपको IRFC में ध्यान देना है अगर आपको बाई करके चलना है, अगर मात्र एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए या कहीं मात्र 1 महीने के लिए, तो इस शेयर्स को आप 1 महीने की बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 120 के साथ इसमें ले सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। हम दोस्तों हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि सटीक जानकारी दें, फिर भी अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि पैसा आपका दोस्तों, ट्रेड भी आपका ही रहेगा। यहाँ पे दूसरी दोस्तों बात कर लेते हैं RBNL शेयर्स की, उसके बाद में अपन इरकॉन लेंगे, उसके बाद में रेलटेल लेंगे। RBNL शेयर का भी सेम ही देख सकते हैं, वही यहाँ पे इसका भी चार्ट पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा अलग चार्ट पैटर्न है। इसकी भी मैं रैली आपको दिखा देता हूँ। RBNL का भी 30 रुपये हुआ करता था, 30 छोड़ो 10 रुपये भी हुआ करता था। देखो 10 रुपये की भी रैली आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये यहाँ से देख सकते हैं शेयर वापस 30 और ये 10 रुपये आ गया था। देख सकते हैं 10 रुपये की रैली, 10 रुपये से फिर शेयर देखो 30, और फिर देखिए यहाँ पे देखिए है ना, ये रैली दिखाई दे रही है आपको। देखो अभी ऊपर चार्ट को यहाँ पे करूँगा, देख सकते हैं ये चार्ट कहाँ गया। देखो ये बिल्कुल का चार्ट एक लाइन सी बन गई है, क्योंकि ये काफ़ी सालों तक 30 रुपये 40 रुपये 30 रुपये 40 रुपये रहा। उसके बाद शेयर देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आपके सामने 100 रुपये आया, फिर देख सकते हैं यहाँ पे शेयर आपके सामने यहाँ पे 150 आया, फिर यहाँ पे देख सकते सीधा ही 300 चला गया था। 300 से भी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आई थी 200 रुपये के आसपास। अब शेयर यहाँ पे 200 रुपये से देख सकते हैं वापस शेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक ट्रेड लाइन नजर आ रही है, तो यहाँ पे देखिए शेयर में अभी हम मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसका से अभी टेक्निकल चार्ट IRFC से थोड़ा सा अलग है। इसमें जो खरीदारी यहाँ पे बन रही है, इसमें जो सार्फ खरीदारी यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे खरीदारी जो बन रही है दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रेड लाइन जो नजर आ रही है, तो यहाँ पे लगभग लगभग इस शेयर को आप 260 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, उसके पश्चात इसमें खरीदारी कर सकते हैं 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपके रहेंगे 325 के, जब 260 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आए। नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक्स यहाँ पे अपना है रेलटेल। रेलटेल का शेयर में देख सकते हैं जो जबरदस्त तेजी आई है, और पिछला टेक्निकल चार्ट आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, काफी मतलब बड़ी देख सकते हैं इसमें रैली देखने मिली है। 100 रुपये के आसपास से शेयर देख सकते हैं कहाँ चला गया, 400 रुपये देख सकते हैं, 400 रुपये से भी ऊपर गया, 450 गया था, वहां से देख सकते इसमें डबल टॉप बना, देख सकते हैं यह बार बार यहीं पर रजिस्टर लेके शेयर में गिरावट आई है। और शेयर ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को यहाँ पे बरकरार रख रहा है, यानी कि 350 के नीचे अगर इसमें गिरावट आती है, देख सकते हैं शेयर में गिरने का तरीका ही गिर रहा है, फिर से होल्ड कर रहा है, फिर से गिरेगा 350 को। मेरे हिसाब से शेयर्स में यहाँ पे 350 का लेवल ब्रेक करता है तो शेयर आपको सीधा ही गिरता हुआ 300 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अपसाइड में मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको खरीदारी करने में रिस्क ही हो सकता है। जैसे ही टेक्निकल चार्ट इशारा करा दोस्तों, वैसे ही बताऊंगा, सिर्फ IRFC में ही मुझे पैटर्न बनना है, बाकी किसी में कोई पैटर्न नहीं बना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यू पैटर्न बना है, इसका नीचे का बॉटम को भी इसने काट दिया है, नीचे आके इसने लोगों को अच्छी खासी यहाँ पे
प्रॉपर बुकिंग हुई। अब यहाँ पे ये ट्रिप है, ये जो बाइंग हुआ ना, देखो बाइंग यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल भी नहीं है बाइंग, यहाँ पे देख सकते हैं छोटे रिटेल इन्वेस्टर आए हैं, कोई बड़ी दमदार बाइंग नहीं आई है और ना ही पेटने पे चेंज हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बात करूँ, अगर बाइंग इसमें जो आनी चाहिए तो शेयर्स में आपको लगभग लगभग देखिए 400 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आई तब जाके इसमें बाइंग कि आप सोच सकते हैं, अदरवाइज अगर 350 को ये शेयर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो शेयर आपको 300 रुपये भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये 300 का लेवल टूटा तो शेयर आपको फिर और भी खींच नीचे खींच सकता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर 450 और 450 के बीच में आपको छेड़ना नहीं, ये वाली जो में छेड़ना नहीं है। 400 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आई तो आप इसको बाइंग में लेके जा सकते हैं, अगर ये वाला लेवल टूटा तो फिर शेयर में आपको प्रॉब्लम और होती हुई दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट शेयर आपका दोस्तों ले लेते हैं इरकॉन। इरकॉन भी काफी मतलब पॉपुलर शेयर है और ये भी देख सकते 40 रुपये हुआ करता था, माइंड ब्लोइंग 300 रुपये तक चला गया इरकॉन। तो इरकॉन की बात करें, यहाँ देखिए आप देखेंगे को देख सकते लाइन से बन रही है, देख सकते शेयर काफी यानी कि दिनों बाद देख सकते एक रेंज में काम कर, बाद में जब निकला रेंज देख सकते कितनी जबरदस्त यहाँ पर रैली आई है इरकॉन में। ऐसा यस बैंक में भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे होने वाला है, एक साल के अंदर ऐसा यस बैंक में यही सेम टेक्निकल चार्ट पड़ने वाला है। यस बैंक सेम लाइन है, यस बैंक यहाँ से ब्रेकआउट 33 का ब्रेकआउट करती है, फिर से देख सकते बड़े बड़े यहाँ पे आपको कैंडल्स मंथली दिखाई देगी, और यहाँ पे इस प्रकार का यस बैंक में 100 रुपये का 150 रुपये का 200 रुपये तक का लेवल आपको आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। इरकॉन की यहाँ बात करें तो इरकॉन के अंदर इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और टेक्निकल चार्ट का इफेक्ट आप दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे इरकॉन में यहाँ पे मुझे 240 के लेवल के ऊपर खरीदारी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर 240 का लेवल निकालता है तो इरकॉन आपको 275-300 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इरकॉन में 240 का लेवल नहीं निकला तो 240 से ही कंटिन्यूस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई शेयर आपको 200 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, वहाँ पर फिर से शेयर एक बार फिर से रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा दोस्तों टेक्निकल चार्ट इशारा कर रहा है, सपोर्ट 200 पे ही बना हुआ है, 200 से लेकर 240 के बीच में ये बिता सकता है रेंज कुछ दिनों के लिए लगातार, का मतलब 7-8 दिन 10 दिन बिता सकता है। यहाँ पे 240 चला जाएगा 200 आ गया, 240 चला जाएगा 200 आ गया, इस प्रकार शेयर यहाँ पे घूम सकता है। 240 ब्रेक होगा तो शेयर ऊपर की साइड खींच सकता है दिखाई दे इसको 275-300 के लिए 200 रुपये करीब ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे फिर से मतलब नीचे मुझे यहाँ पे इसमें थोड़ी गिरावट की जिसे RBNL है उस टाइप से इसमें गिरावट कम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे धीरे जगह जगह सपोर्ट बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि 200 रुपये से लेकर 240 की यहाँ पे 160 यहाँ पे रेंज में ये घूम सकता है। अगर 240 ब्रेक होता तो फिर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और भी आपको फेवरेट स्टॉक्स हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए पूरी हेल्पफुल वीडियो बनाई जाएगी टेक्निकल चार्ट के माध्यम से। जो टेक्निकल चार्ट बता रहा है इशारा करा टेक्निकल चार्ट वो आपको दोस्तों समझा दिया जाएगा शेयर में आगे क्या करने वाला, प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है या टारगेट आने वाले हैं, या शेयर्स को यहाँ पे होल्डिंग्स आपको रखनी चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए, कौन से लेवल पे एग्जिट पॉइंट बनेगा, कौन से लेवल पे एंट्री पॉइंट बनेगा, कहाँ तक आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अब हाई लिखी छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं वो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और फ्री में आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया आप स्टॉक का, वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाइए, मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको लाइफ टाइम के लिए ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा बेस्ट होल्डिंग्स और इंट्राडे कॉल्स के लिए। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।